दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे MSI की तरफ से आने वाले दो मदरबोर्ड्स के बारे में, जो कि है B450M। दोस्तों दोनों ही मदरबोर्ड जो हैं वो MSI की ब्रांड के मदरबोर्ड हैं और दोनों ही जो मदरबोर्ड हैं वो Ryzen के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। तो पहला जो मदरबोर्ड है वो है B450M Pro M2 Max वाला मदरबोर्ड और दूसरा जो मदरबोर्ड है वो है B450 Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड। तो दोस्तों अब हम दोनों मदरबोर्ड को कंपेयर करेंगे, दोनों मदरबोर्ड के फीचर को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट है और कौन सा मदरबोर्ड आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे B450 Pro M2 Max वाला मदरबोर्ड, जो कि ये है मेरे हाथ में जो मदरबोर्ड आप देखेंगे। तो ये जो एक छोटे साइज़ के मदरबोर्ड है, बेसिक मदरबोर्ड है, B450 का एक बेसिक मदरबोर्ड है। अगर आपका बजट कम है, 6000 रुपये के आसपास आपका बजट है, तो ये मदरबोर्ड आपके लिए ठीक है। लेकिन ये बेसिक मदरबोर्ड है, कोई ज़्यादा एडवांस टाइप का मदरबोर्ड नहीं है। इसके अंदर आपको दो रैम स्लॉट मिलते हैं, यहाँ पे दो रैम स्लॉट मिलेंगे। इसमें आपको साटा के लिए चार स्लॉट मिलेंगे, चार स्लॉट है साटा के। इसमें आपको USB 3.0 का भी स्लॉट मिलेगा, ग्राफिक्स कार्ड का एक स्लॉट है। दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर कोई ज़्यादा हीटिंग नहीं है, क्योंकि एक बेसिक मदरबोर्ड है, अंडर बजट वाला ही मदरबोर्ड है। तो दोस्तों पीछे से अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको VGA मिल जाएगा और DVI है, HDMI पोर्ट है, USB 2.0 के दो पोर्ट है, USB 3.0 के चार पोर्ट है, LAN का पोर्ट है और साउंड का पोर्ट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, लेकिन ये एक बेसिक मदरबोर्ड है, अंडर बजट वाला मदरबोर्ड है। अगर आपका बजट कम है तो आप ये मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं B450 Pro VDS Max वाले मदरबोर्ड की, जो कि ये मेरे हाथ में है। दोस्तों ये मदरबोर्ड देखेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, देखने में काफ़ी मतलब हेवी टाइप का मदरबोर्ड लगता है। और इसमें आपको जो है वो चार रैम स्लॉट मिलते हैं, चार रैम स्लॉट आपको मिलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको साटा के लिए चार पोर्ट मिलेंगे। इसमें आपको M2 SSD का भी स्लॉट मिल जाएगा, इसमें ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट आपको मिलेगा। दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर हीटसिंक मिलेगी आपको, थोड़ी हीटसिंक ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ भी हीटसिंक है, यहाँ भी हीटसिंक है। तो ये थोड़ा हेवी टाइप का मदरबोर्ड है कंपेयर टू जो हमने पहले वाला मदरबोर्ड देखा उसके। अब हम बैक साइड से इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको VGA मिलेगा, HDMI है, DVI पोर्ट है, USB 3.0 के चार पोर्ट है और USB 2.0 के इसमें चार पोर्ट है। यानी जो पहले वाला मदरबोर्ड था उसके अंदर USB 2.0 के दो पोर्ट थे, इसमें चार पोर्ट है। तो ये कंपेयर टू जो पहले वाला मदरबोर्ड है उससे काफ़ी अच्छा है और देखने में भी काफ़ी हेवी मदरबोर्ड है, एक गेमिंग टाइप का मदरबोर्ड है। अगर आपको बजट 7000 रुपये के आसपास है तो ये मदरबोर्ड आपके लिए काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। दोस्तों अब हम दोनों मदरबोर्ड को आपस में रख के देख लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं B450 M2 Pro M2 Max वाले की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, छोटा मदरबोर्ड है, साइज़ छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक मदरबोर्ड है। अगर बजट कम है आपका तो ये मदरबोर्ड आपके लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले मदरबोर्ड की, जो कि है B450 M Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा मदरबोर्ड है, ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें चार रैम स्लॉट है, इसमें रैम भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी और इसके अंदर आपको हीटसिंक भी मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये एक हीटसिंक लगी हुई है प्रोसेसर के पास में और दूसरी जो उसकी मेन चिप है, यहाँ भी एक हीटसिंक लगी हुई है। तो इसमें काफ़ी कूलिंग रहेगी कंपेयर टू छोटा वाला मदरबोर्ड, इसमें आपको हीटसिंक नहीं मिलेगी, बेसिक मदरबोर्ड है ये। तो ये थोड़ा गेमिंग लुक देता है, गेमिंग टाइप का मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है। पीछे की अगर बात करेंगे दोनों मदरबोर्ड्स की, तो आप देख सकते हैं फ़र्क है थोड़ा। जो बड़ा वाला मदरबोर्ड है उसके अंदर आपको USB 2.0 के चार पोर्ट है, वही छोटे वाले मदरबोर्ड में आपको दो पोर्ट मिल रहे हैं USB 2.0 के। तो ये देखिए, तो दोनों के कंपेयर में अगर देखेंगे तो बड़ा ही मदरबोर्ड बढ़िया है, जो कि है B450M Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड ठीक है। अगर आपका बजट 7000 रुपये है तो ये बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें आपकी गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग ईजिली हो जाएगी, चार रैम के स्लॉट्स में मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपकी रैम भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी और M2 वाला जो SSD वाला स्लॉट है वो भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। दोस्तों हमने दोनों मदरबोर्ड का कंपेयर किया और हमने ये देखा कि जो B450 Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड, यही बेस्ट मदरबोर्ड है, जिसकी कॉस्ट है 7000 रुपये। और दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है B450 Pro M2 Max वाला मदरबोर्ड जो है, इसमें आपको दो रैम के स्लॉट मिलते हैं और ये मैक्सिमम 32 GB यानी 32 GB रैम सपोर्ट करता है। वहीं जो B450 Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड है, इसमें आपको मिलते हैं चार रैम स्लॉट और जो सपोर्ट करता है 64 GB यानी 64 GB रैम तक ही सपोर्ट करता है। दोनों ही मदरबोर्ड के अंदर 3600 MHz तक की रैम सपोर्ट है, इससे ज़्यादा रैम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका बजट 7000 रुपये है तो ये मदरबोर्ड आपके लिए बेस्ट है। ये थोड़ा अच्छा मदरबोर्ड है, इसका साइज़ बड़ा है, गेमिंग टाइप का मदरबोर्ड है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ये मदरबोर्ड आपके लिए ठीक है। 6000 रुपये का मदरबोर्ड है, बेसिक मदरबोर्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आप दोनों मदरबोर्ड में से कोई मदरबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो वो ये मदरबोर्ड है B450 Pro VDS Max वाला मदरबोर्ड। वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।